नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज हम कोरल ड्रॉ से पीडीएफ फाइल कैसे एक्सपोर्ट करते हैं उसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, पीडीएफ फाइल हम तीन तरह से अलग अलग तरीके से एक्सपोर्ट करेंगे, जिसमें एक मीडियम साइज़ होगी, एक लोअर साइज़ होगी और एक हाई रेजोल्यूशन फुल साइज़ होगी। डिज़ाइन ओपन करके हम फाइल मेनू में पब्लिश टू पीडीएफ वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और इसमें आप देखेंगे ऐसा डायलॉग बॉक्स आएगा और यहाँ पर आप नाम लिखेंगे और नीचे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें जो सबसे पहले वाला है प्री प्रेस, हम इसे सिलेक्ट करेंगे और जो फाइल का नाम आपको देना है वो आप दे दीजिए। उसके बाद हम ये जो मोर सेटिंग्स में जाएंगे उसमें करंट पेज या करंट डॉक्यूमेंट आप जो चाहे वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल करंट पेज ले लेता हूँ और इसे ओके कर देता हूँ, ठीक है, और फिर सेव कर देते हैं डेस्कटॉप। तो दोस्तों, डेस्कटॉप पर हमारा फाइल आ चुका है। अब इसे हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से प्रॉपर्टीज़ में देखेंगे तो ये करीब 9.7 MB का फाइल बना है, ठीक है। इसे ओपन करके भी हम देख लेते हैं इसका क्वालिटी कैसा है। ये देखिए, बढ़िया है एकदम, बिल्कुल भी कहीं भी कोई तकलीफ नहीं है, सही दिख रहा है, ठीक है। तो अब हम इसको दूसरा जो ऑप्शन है उसको हम सिलेक्ट करेंगे, फाइल मेनू में जाकर पब्लिश टू पीडीएफ और फाइल का नाम हम यहाँ पर दे देते हैं लोअर, ठीक है, लोअर पीडीएफ ऐसा फाइल का नाम दे देते हैं हम। और जो नीचे जो ऑप्शन है उसमें प्री पेस्ट की जगह पर अब वेब ले लेंगे और फिर इसे हम देख लेते हैं सेटिंग्स में, करंट पेज किया हुआ है, ओके, और अब हम इसे सेव कर देते हैं, ठीक है। हमारा फाइल अभी एक्सपोर्ट हो चुका है और अब हम डेस्कटॉप पर ये जो लोअर वाला फाइल है उसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। ओपन कर लेते हैं, सही दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ में ये केवल 225 KB का फाइल बना है और ओपन भी सही दिख रहा है, तो ये लोअर साइज़ में भी आपको कहीं भी भेजना हो तो आप इजीली इसको भेज सकते हैं, ठीक है। अब हम जो तीसरा ऑप्शन देखेंगे फाइल मेनू में जाकर पब्लिश टू पीडीएफ और उसमें फाइल का नाम जो देना है वो दे देंगे और डॉक्यूमेंट डिस्ट्रीब्यूशन ये वाला जो ऑप्शन है इसे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और इसका हम नाम दे देते हैं मीडियम पीडीएफ और अब हम इसे सेव कर लेते हैं। नाम दे दिया है और सेव कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम इसे डेस्कटॉप पर मीडियम जो फाइल बनाई है उसके प्रॉपर्टीज़ भी देखेंगे, ओपन करके भी देखेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, ये 4.5 MB की बनी है फाइल मीडियम साइज़ में, ये भी ठीक है, इसे ओपन कर लेते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। आप ये भी शेयर कर सकते हैं, आपकी हिसाब से आप इसे कहीं भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने इस तरह से अलग अलग तरीके से पीडीएफ फाइलें बनाई और अलग अलग साइज़ में बनाई, ठीक है दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।